जीजस का ब्लड होता है वो वाइन होता है। तो मैंने बोला यार वाइन मतलब दारू। ऐसे सेलिब्रिटी, ऐसे लोग दुनिया के जिन्होंने परमेश्वर के नाम को इज्जत जब देनी चाहिए नहीं दी और परमेश्वर को मॉक किया, उसको बेइज्जत किया कि मुझे तुम्हारा यीशु नहीं चाहिए। एक हफ्ते बाद अपने अपार्टमेंट में वो मुर्दा पाई गई। दोस्तों हो सकता है ये वीडियो आप लोगों ने पहले भी देखा हो, लेकिन मैं फिर से आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि अंकुर नरूला जी ने किस प्रकार से उन लोगों को जवाब दिया और सच में ये बातें सुनने वाली हैं जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का अपमान किया, यीशु मसीह को ठुकराया और कहीं ना कहीं यीशु मसीह की निंदा की, उन लोगों को आज ऐसा जवाब मिला है आप भी देख कर बहुत हैरान होने वाले हैं। इस वीडियो को देखिए फिर आगे हम बात करते हैं। तो मैंने बोला यार इन्हें मास करते हैं, तो मैंने सुना था लेकिन बचपन में कि जो जीजस का ब्लड होता है वो वाइन होता है। तो मैंने बोला यार वाइन मतलब दारू। बचपन से घुरा था दिमाग, पंजाबी घूर था ना अंदर, जैसे गोविंद दादा का होता है हमारे घर की धर्म जी है यार। मैंने बोला क्या पाप है दारू पीने में भाई। तो कह यार बोलते इसमें वाइन है, तो मैंने बोला चल यार इसी शौक से मैं भी बैप्टिज्म ले लूं। मान करता ऐसे सेलिब्रिटी, ऐसे लोग दुनिया के जिन्होंने परमेश्वर के नाम को इज्जत जब देनी चाहिए नहीं दी और परमेश्वर को मॉक किया, उसको बेइज्जत किया, अगर आप उनकी स्टोरीज पढ़ें तो आपको मालूम होगा टाइटैनिक का शिप जब बनाया गया, दुनिया का सबसे मार्वलस, एक दुनिया की एक शिप की जैसे बोलते हैं कि एक माइलस्टोन था, एक बड़ी बात हुई थी। उसके मालिक से किसी ने पूछा कितना मजबूत है आपका टाइटैनिक, उसने कहा दिस टाइटैनिक इज सो स्ट्रांग इवन गॉड कैनॉट सिंक इट, कि यह इतना मजबूत है कि खुदा भी उसे डुबो नहीं सकता। और पहले दिन डूब गए। पहले दिन टाइटैनिक का क्या हुआ हम सब जानते हैं। हालेलुया। तुमने उसको इज्जत नहीं दी, तुमने उसको बेइज्जत किया और परमेश्वर ने वही तुमको वापस किया जो तुमने परमेश्वर को दिया। मार्लिन मुनरो हॉलीवुड की आज तक की जैसे सबसे ब्यूटीफुल हीरोइन में से गिना जाता है, एक जगह सेट पे बैठी शूटिंग कर रही थी, खुदावंद के दास को खुदावंद ने कहा जाकर उसको प्रीच कर और उसे बता जीसस के बारे में। उसने प्रीच किया, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे, कहती आई डोंट नीड योर जीसस, कि मुझे तुम्हारा यीशु नहीं चाहिए। एक हफ्ते बाद अपने अपार्टमेंट में वो मुर्दा पाई गई। कोई बोलता है उसने सुसाइड की, कोई बोलता है कुछ, एक जस्ट एक हफ्ते बाद टेनक्रेडो नेव्स जो कि ब्राजील का प्रेसिडेंट था, किसी ने पूछा क्या चल रहा है, उसने कहा अगर मुझे 5 लाख वोट पार्टी में से मिल जाएं तो मुझे प्रेसिडेंट बनने से खुदा भी रोक नहीं सकता। इमेजिन करो क्या हुआ, उसको 5 लाख वोट मिले, जिस दिन शपथ लेनी थी एक दिन पहले मर गया प्रेसिडेंट। और पता क्या बोला, कहता अगर मेरी पार्टी मुझे 5 लाख वोट दे दे तो कहता खुदा भी मुझे प्रेसिडेंट बनने से रोक नहीं सकता। इसराइल का राजा बहुत तंग आ गया जब मरी आ गई, तंगी आ गई। अलीशा ने बोला कल इतना गेहूं इतना मैदा एक एक शकेल में बिकेगा, तो उसका असिस्टेंट बोला अगर यहोवा आकाश के झरोखे भी खोल दे तो भी ये नहीं होगा। अलीशा ने कहा तू अपनी आंखों से इसे देखेगा तो जरूर पर खा नहीं पाएगा। अगले दिन क्या हुआ, जो छावनी डाल के राजा लोग पीछे बैठे थे ताकि इनके देश में सप्लाई ना आए, वो आपस में लड़ लड़के मर के भाग गए, अपने डेरे छोड़ गए और कोड़ी जाके वहां पे उसको लूटने लगे। फिर कोड़ियों ने बताया इसराइल के राजा को कि वहां डेरे खुले पड़े और पूरी पब्लिक गई डेरे को लूट के और लाखों टन अनाज लूट लिया और वही रेट पे बिकने लगा। और वो बंदा जब बोलता था कि आकाश का झरोखा खुल जाए तो नहीं होगा, उन्हीं लोगों के पैरों के नीचे आके मर गया, देखा तो जरूर पर खा नहीं पाया। एक पिक्चर मैंने देखी, उसमें जो एक्टर है वो कह रहा है कि ये जो चर्च वाला गॉड है ये वाइन पीता है, हां और चर्च में वाइन लेके गया, उसको ये नहीं मालूम कि वो वाइन वो दारू वो शराब नहीं, वो एक दाखरस था, वो अंगूरों का रस है जो वो लोग ट्रेडिशनली पीते थे, अंगूरों को उबालकर उनका सीरा बनाकर बच्चे भी पीते थे बड़े भी पीते थे। और उसके बाद उसकी जिंदगी चेक करो कैसे टूट के फूट के बिखर गई, चेक करो उसकी लाइफ को। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं, आप कुछ भी ना कहें लेकिन जिस परमेश्वर से लोग पंगा ले रहे हैं उसको मालूम है हैंडल कैसे करना है। आप उसको थोड़ी सी बेइज्जती देंगे वो पूरी दुनिया में आपको बेइज्जत करेगा, आप उसको थोड़ी सी महिमा देंगे वो आपको उठा के खड़ा कर देगा। आप परमेश्वर को कुछ लाइव बोलेंगे
आप उसको कुछ पब्लिकली बोलेंगे और आपको क्या लगता है वो चुप करके बैठ जाएगा? परमेश्वर धीरे से काम करते हैं, उसकी लाठी बे आवाज है, लेकिन जब पड़ती है सबको सुनाई भी देती है और सुनाई देती भी नहीं। वो दिमाग इस तरह से घुमा देगा कि तुम गलत डिसीजन लेने लग जाओगे, तुम्हारी लाइफ के लिए, फैमिली के लिए सब कुछ बिखर जाएगा और तुम अब भी सोचोगे कि ऑल इज वेल, ऑल इज नॉट वेल। हालेलुया। इसलिए हम किसी से नफरत नहीं करते, किसी सेलिब्रिटी से, वो कोई भी गलती करे मैं कभी सुझाव नहीं देता इस पे केस कर दो, इस पे मुझे मालूम है इसने प्रभु से पंगा लिया, परमेश्वर अपने आप सीधा कर देगा इसे। मैंने भी लिया था, एक क्रिश्चियन घर नहीं आने चाहिए, हम हिंदू सिख लोग हैं, हमारे घर में एंटर नहीं करने चाहिए, गाली निकालूंगा मैं, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला था कि ये लोग ऐसा ऐसा करते हैं कुछ जो मुझे पसंद नहीं आया और मैं बहुत गुस्सा किया मैंने, और मैंने मंत्रों को ऑडियो में, ऑडियो चलती थी तब, ऑडियो में लगा के अपने कोठी पे लगा दिया था, 24 घंटे वो चलते थे। मैंने कहा इसको कोई हिलाएगा नहीं अब, और कोई जाना चर्च नहीं जाएगा घर, सब जहां मैं बोलूंगा वहां जाएंगे, और ले गया वापस, चर्च नहीं जाने दिया। लेकिन उसके बाद मैं, मुझे लेके आना पड़ा सबको चर्च में, जब मैं मेंटल हुआ तो। वो डॉक्टर्स, वो जगहें, वो चीजें जिन पे घमंड था, वो घमंड जब परमेश्वर ने चूर चूर करके मुझे धरती पे लाके खड़ा कर दिया, जब जीरो से भी माइनस में कर दिया, जब जीरो करके फिनिश करके खत्म कर दिया, सुसाइड करने वाला था, वही व्यक्ति जिनको गालियां निकालता था उन्हीं का चर्च देखा और बचाया गया। किससे पंगा लेंगे? परमेश्वर से। मैं लेके देख चुका हूं, उसके हाथों में पड़ना क्या है, भयानक बात है। आप कोई भी हो, उसके सामने कोई सेलिब्रिटी नहीं, आप उसको बेइज्जत करेंगे, वो आपकी पूरी तरह से छील उतार देगा। आप उसको हल्का सा टच करेंगे, बोलेगा कोई बात नहीं, चिंता मत कर। अब आप कोई भी व्यक्ति देख लो जिसने यीशु मसीह की बेइज्जती की हो, और आने वाले टाइम में आप उसकी लाइफ देख लो, आपको मजा आ जाएगा देखकर कि वाह परमेश्वर ने क्या किया है। हालेलुया। अब वो लोग जिनको मैं गाली निकालना चाहता था उनके सामने हाथ जोड़ के बैठा था, करो जी प्रेयर, हाँ सिर थल्ले कर लो जी, थल्ले भेजा लो जी, हाँ। अब क्या हुआ? परमेश्वर ने घमंड तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। क्योंकि हमारा गॉड यह कहता है कि मदिरा उनको दो जो नाश होने वाले हैं। वो कहता है मदिरा पीना रहीसों को नहीं फपता, तुम दाखरस के मतवाले ना बनो। कुछ भी बोलने से पहले, अपनी पिक्चर में छापने से पहले, अच्छे क्रिश्चियन लोगों से बात कर लो परमेश्वर कैसा है, ताकि तुम सजा के हकदार ना ठहरो। हालेलुया। परमेश्वर से छुपके नहीं रहा जा सकता। आप किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, कहीं बैकग्राउंड के हो, परमेश्वर आपके सामने ही है। उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य नजदीक आ चुका है। लंगड़े चल रहे हैं, ये परमेश्वर का राज्य है। अंधे देख रहे हैं, ये परमेश्वर का राज्य है। पापों से लोग मन फिरा रहे हैं, यूं था के नशा छोड़ रहे हैं, यूं था के चिट्टा छोड़ रहे हैं, यूं था के स्मैक छोड़ रहे हैं, परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। उसने कहा मन फिराओ, आमीन। मन फिराओ और बपतिस्मा लो। मैं तो हैरान हूं लोग बपतिस्मा लेने में टाइम कैसे लगा देते हैं, क्या सोचते रहते वो लोग। आज 6 महीने मिलेंगे, 6 महीने कौन से पाप करने हैं? अगर 6 महीने पाप करने हैं तो आपकी तौबा व्यर्थ है। जब मैं मसीह में आया तो लोग बोलते थे हाँ मैं कितनी तौबा 2002 ते बपतिस्मा लिया मैं 2013। ये कौन सी तौबा है? ये रॉन्ग तौबा है। आपने तौबा की नहीं, आप तो गेम खेल रहे थे, आप तो चेक कर रहे थे। वही तौबा उस दिन मानी जाती है जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। आप बोलेंगे बिना बपतिस्मा स्वर्ग जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, अगर आप सूली पे हो तो। क्योंकि वो डाकू सूली पे था, परमेश्वर ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उसने कहा प्रभु मैं जब स्वर्ग में जाएगा तो मुझे याद करना, मेरे पापों को माफ करना। यीशु मसीह ने उसी वक्त पापों को माफ कर दिया। एक बेड पे बंदा है, आईसीयू में बैठा है, परमेश्वर को बोल रहा है परमेश्वर मैं स्वर्ग में जब जाऊं मुझे स्वर्ग में ले ले, मेरे पापों को माफ कर। वो 1 घंटे में मर जाए, बपतिस्मा लेने का टाइम नहीं था, वो स्वर्ग में है। लेकिन आप आईसीयू पे नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छे भले चल के आए, बाइक में आए, आप ले सकते हैं। मैंने कहा आप ले सकते हैं बपतिस्मा, आमीन। उसने कहा जब तू बपतिस्मा लेगा, बपतिस्मा लेने का मतलब डूब जाना, डूबने का मतलब कौन सा बपतिस्मा? बपतिस्मे का मतलब है इमर्स, बैप्टिजो, इमर्स हो जाना, यानी डूब जाना, पानी के अंदर चले जाना, कब्र के अंदर चले जाना। जब लोग कब्र में किसी को गाड़ते हैं तो वो इतनी सी मिट्टी में गाड़ते हैं, 2 बूंद मिट्टी, ऐसे पूरा गाड़ते कि नहीं? बपतिस्मे का मतलब है यीशु मसीह के साथ गाड़ दिए जाना। जब पानी में आप डुबकी लगाते हैं आपका मतलब कि आप यीशु मसीह के साथ मर गए, जब बाहर आते हैं तो यीशु मसीह के साथ जी उठे, जिस तरह यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। तो बाइबल कहती है जब आप बपतिस्मा लेते हैं, जब आप तौबा करते हैं कि परमेश्वर तू मेरा उद्धार करता है,
तू मेरा परमेश्वर है, मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ, मैं तेरे साथ संबंध रखता हूँ, अब मैं बपतिस्मा लेता हूँ। बाइबल कहती है आप तौबा में आ जाते हैं, आप रिपेंटेंस में चले जाते हैं। जब आप रिपेंटेंस में चले जाते हैं ऑटोमेटिकली परमेश्वर की वो योजना जो आपकी लाइफ के लिए है वो पूरी होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों बहुत से लोग हैं जो लगातार प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाते रहते हैं, और आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर ही देखा है किस प्रकार से गोविंदा की वाइफ ने प्रभु यीशु मसीह के ब्लड को वाइन बताया, और फिर अंकुर नरोला जी ने उन लोगों को जवाब दिया जो लोग प्रभु यीशु मसीह का मजाक बनाते हैं, जो यीशु मसीह का इनकार करते हैं, ठट्टों में उड़ाते हैं, उन लोगों के साथ किस तरीके की बात में बातें होती हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बाइबल साफ कहते हैं कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आज बहुत से लोग ईसाईयत को मजाक में लेते हैं, लेकिन ईसाईयत मजाक में उड़ाने वाला नहीं है, क्योंकि इन लोगों का परमेश्वर सच्चा और जीवित परमेश्वर है, और वो हमेशा अपने लोगों की रक्षा करता है। और जब बात आती है खुद खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर निंदा करने की, उसका आरोप करने की, तो परमेश्वर भला है, वो एक बार तो दया करता है, लेकिन जब परमेश्वर का क्रोध उतरता है तो मनुष्य फिर कहीं का भी नहीं रहता। जो कि आप लोग परमेश्वर के दास के द्वारा इस बात को सुन भी चुके होंगे, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग अगर प्रभु यीशु मसीह को जानते हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो किसी भी धर्म का, किसी भी व्यक्ति का आपको कोई अधिकार नहीं है मजाक उड़ाने का। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे नहीं पता है कि कौन किसका क्या विश्वास है, लेकिन हम जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं वो यीशु मसीह, और वो जीवित और सच्चा परमेश्वर है, वो अपना बदला लेता है। मैं आपको बता दूँ, वो जितनी देर दया करता है उतनी देर करता है, लेकिन जब परमेश्वर फाड़ने पर आता है तो फिर कौन उसके हाथ को रोक सकता है। तो इसलिए डरो उस खुदा से जो खुदा हमें बनाने वाला है, जो खुदा हमें हर दिन हमें संभालता है, उस खुदा से हमें डरने की आवश्यकता है। क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कहाँ से आए और कहाँ जाने वाले, लेकिन उस यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करोगे आप समझ पाओगे कि सच्चाई क्या है, और सच्चाई तुमको स्वतंत्र करेगी। इसलिए ज़रूर दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग कहीं ना कहीं आज प्रभु यीशु मसीह का निंदा करते हैं और यीशु मसीह के लोगों को सताते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।